हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी में से काफ़ी सारी आर्मी BTS के आने वाले कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगी, और कुछ आर्मीज ऐसी भी होंगी जो उनके कॉन्सर्ट्स को ज्वाइन कर रही होंगी या फिर उन्होंने ऑलरेडी अपना टिकट परचेस कर लिया है। तो दोस्तों, आप सभी ने मुझसे BTS के कॉन्सर्ट्स के टिकट्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे, और काफ़ी सारे लोग तो ये भी जानना चाहते थे कि क्या मैं इस कॉन्सर्ट को अटेंड कर रही हूँ या फिर क्या मैंने इस टिकट्स को परचेस कर लिया है। तो दोस्तों, आप सभी के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आपके सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं इस BTS के कॉन्सर्ट को अटेंड कर रही हूँ। दोस्तों, एक्चुअली मैंने अभी टिकट परचेस नहीं करे हैं, पर मैं इसके टिकट्स को जल्दी ही परचेस कर लूँगी। और जिस भी आर्मी का ये क्वेश्चन था कि क्या मैं इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने वाली हूँ, तो उसका आंसर ये है कि हाँ, मैं इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से टिकट को लेने वाली हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जनरल टिकट को परचेस करूँगी, और मैं आपसे इस टिकट के परचेस के प्रोसेस को ज़रूर डिस्कस भी करूँगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी जहां पर मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी कि आप भी इन टिकट्स को कैसे बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके सिवा अगर आपको BTS के इस ऑनलाइन कॉन्सर्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी सवाल है, तो आप तुरंत ही उन्हें कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं उन सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं कोशिश करूंगी कि उन सभी को मिलाकर मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आप बहुत ही आसानी से इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर पाएं और अपने टिकट्स को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे आर्मीज ने मुझसे एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट और करी थी, जिसका स्पेशली मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहती हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारी आर्मीज ने जैसे ही मैंने इस कॉन्सर्ट के बारे में वीडियो डाली थी, कमेंट्स में मुझसे एक बात कही थी कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो काफ़ी सारी आर्मीज चाहती हैं कि मैं इस कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कर दूं, ताकि वो भी इसे देख पाएं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात शेयर करना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि हम ऐसा लीगली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, बिगिट की काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज होती हैं, जहाँ पर वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि BTS की कोई भी चीज़ इलीगली डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि BTS इतने बड़े आइडल्स हैं, और अगर वो कोई भी कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक लीगल तरीका है कि हर कोई उस टिकट को परचेस करे और उनके कॉन्सर्ट को एंजॉय करे। हालांकि दोस्तों, मैं मानती हूँ कि काफ़ी सारी आर्मीज ऐसी हैं जिनके पास अभी इन्हें अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, और इसीलिए वो टिकट परचेस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं जानती हूँ कि इस बात पे तो आप भी एग्री करेंगे कि आप नहीं चाहते कि हम कोई भी ऐसा इलीगल काम करें जिससे इंडियन आर्मी का नाम खराब हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं कोशिश भी करूं और ये चीज़ बिगिट को पता चल जाए, तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, और इसके साथ साथ पूरी इंडियन आर्मी का नाम खराब हो सकता है। हालांकि दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स दे पाऊँ, और कॉन्सर्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से फनी मोमेंट्स हुए थे, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आर्मी, अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप फटाफट से कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर पाऊँ और उसके ऊपर एक वीडियो भी बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।